जो नेबरिंग कंट्री भारत है वहां पे मैं हाँ देख रहा था कि अगले दिन हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे कि हम खुलेआम अगर कोई नमाज पढ़ना चाह रहा ओपन स्पेस पे तो हम उसको पढ़ने नहीं देंगे। हाउ डू यू फाइंड दिस? एक तबका भारत में ये कह रहा है, खासकर जो इसको इस किस एंगल से देखा जाए, एक तबका ये कह रहा है कि भाई आपने नमाज पढ़नी है तो जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहां पे जाएं। एक तबका है वो कहता है नहीं, हम जहां मर्जी नमाज पढ़ना चाहते हैं, खुलेआम अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे भी इजाजत दी जाए। वो कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि अगर वहां पे आपने नमाज पढ़नी है, पूजा करनी है, जो भी करना है, तो आप अपनी जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं उधर जाएं और वहां पे जाके जो है वो चीजें करें। खासकर कि आपको पता है कि ये जो गुड़गांव में ये वाकया पेश हुआ और अभी इसके ऊपर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं लाल खतार साहब, उन्होंने ये कह दिया जनाब कि ये चीजें अलाउड नहीं की जाएंगी। तो उसमें इंडिया जो मुसलमान भी रिएक्ट कर रहे हैं, हिंदू भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझ रही है कि ये एक्सट्रीमिज्म सिर्फ यहाँ पे लोग ये समझ रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को रोका जा रहा है कि वो नमाज ना पढ़े, दूसरी जगह वहां की सरकार ये कह रही है या लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे जाना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस, ये जो डायकोटमी है, ये जो मजहबी जो इंतहा पसंदाना रवैये हैं, क्या ये साउथ एशिया में पूरे में है या क्या आप समझ रहे हैं कि कुछ पॉकेट्स में है? नहीं सर, अगर तो उनकी गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं कि जी जो आपको जगह दी गई है आप वहां जाके नमाज पढ़े, आप हर जगह, मैं उनकी पिक्चर्स भी देखती रहती हूँ, कभी किसी रोड पे बैठ गए, कभी पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, कभी लोग खड़े, कहीं भी बैठ गए और नमाज पढ़ ली, तो वो चीज गलत है। वो सही कह रहे हैं, जहां पे जगह बनी हुई है, आपकी कोई मस्जिद है या कोई और जगह बना रखी है नमाज के लिए, आप वहां जाएं। ये थोड़ी है कि आप सड़क पे बैठ जाएंगे, कभी आपने बसें रोकी हुई है, कभी सड़क पे गाड़ियां रोकी हुई है, कभी कहीं बैठ गए। एक पिक्चर्स तो मैंने ऐसी भी देखी थी कि मस्जिद छोड़ के मस्जिद के बाहर की रोड पे बैठे हुए। अगर यही करना है तो सारी मस्जिदें गिरा दें, फिर ये मस्जिद की जरूरत क्या है, कहीं भी बैठ जाएं, जंगल में, सड़क पे, फुटपाथ पे, जहां जीत जाए बैठ जाएं। फिर इन्होंने वो जो मस्जिद बना रखी है उसको खत्म करके वहां पे कोई स्कूल बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, लाइब्रेरी बना दें, शॉपिंग मॉल बना दें, कुछ भी बना दें। फिर इन्होंने मस्जिद किस खुशी में बना के रखी है? लेकिन वही बात है ना कि हर जगह पे जो है वो हम विक्टम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे भी कुछ हम गलत करेंगे, अगर दुनिया हमें जो है वो लानतान करेगी कि जी आप टेररिज्म कर रहे हैं, आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, चले टेररिज्म नहीं भी कर रहे, आप जो है गलत किस्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो TTP हो, चाहे वो TLP हो, चाहे इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान हो, तो आप कहते हैं नहीं जी ये तो इस्लामोफोबिया हो रहा है। और उसके बाद जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पे मुसलमान जो है वो चौड़ा होकर कहीं भी बैठ जाएगा, सड़क के ऊपर नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, कभी किसी के मंदिर में घुस जाएंगे वहां नमाज पढ़नी शुरू, भाई क्यों जा रहे हो मंदिर में या किसी और की इबादत गाह में आप नमाज पढ़ने के लिए, आपकी अपनी है वहां पढ़े, इतना प्रॉब्लम है तो जाइए घर पे जाके पढ़ लीजिए। ऑफिस में मैंने तो मतलब नमाज से ज्यादा आसान चीज देखी नहीं इस्लाम में, जो आपको हर तरह से पढ़ने की इजाजत है, आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं, आपकी तबीयत खराब है तो आप अगर लेते हैं तो आप इशारे से भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप ऐसी चीजें रखी गई कि आप किसी को तंग ना करें, लेकिन हम जानबूझ के ऐसा करते हैं। ये साउथ एशियन मुस्लिम जो है ये अपने आप को खुद ऐसा बनाया इन्होंने कि सब हमें जो है नापसंद करें, वरना बाकी दुनिया में भी तो मुसलमान रहते हैं, इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, कुवैत, कतर और पता नहीं क्या क्या, तो उनके मुस्लिम्स का तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि वो, आपने कभी देखी कोई पिक्चर के वो पूरा वो जो तोप पहन के घूमते हैं कि वो कहीं पे बैठे हुए सड़क के ऊपर या कहीं मस्जिद के बाहर बैठे हुए, ये सारी नौटंकियां ना हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर ही है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान का, मैं देख रहा था पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इस पे स्टेटमेंट जारी की थी कि जनाब ये जो है वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों को कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स जो है वो अदा करने की इजाजत नहीं दे रही और हम बड़े कंसर्न्ड हैं। तो इस तरह तो क्या आप क्या समझती हैं, ये क्या इंडिया के अंदर कानून बना रहे हैं? लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदुओं को या सिखों को इजाजत है कि वो कहीं पे भी अपने कर सकते हैं तो फिर मुसलमानों को क्यों ना दें? अगर तो ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए है तो फिर ठीक है, जिस तरह के UAE में हम देखते हैं वहां पे मुसलमानों को भी अंदर का वो घुसो भाई, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, क्रिश्चियंस को भी, जहां जिसने जो करना है भाई बिल्डिंग के अंदर जाए, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए वरना तो अनुसेट कर देंगे। हमारे जो दोस्त मिडल ईस्ट से आते हैं वो कहते हैं, मैं बल्कि मलेशिया से मेरे जो दोस्त आते हैं तो वो कहते हैं सख्त पाबंदी है कि इस बिल्डिंग के बाहर आपकी आवाज तक नहीं आनी चाहिए वरना पेनल्टी फाइन है। सो ये जो क्या वो जो मुसलमानों का मौका पर वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर बाकी मजाहब तो जिधर मर्जी इकट्ठे हो जाते हैं, हमें क्यों फिर रोका जा रहा है? तो
तो फिर ये क्रॉस द बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस? सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट गया है, पाकिस्तान को स्टेटमेंट देने का कोई राइट इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ खुद क्या जो माइनॉरिटी है हमने उसको कौन से राइट्स दिए या कौन सी उनकी बात ऐसी है जो हम उनका ख्याल करते हो। मंदिर हम उनके तोड़ देते हैं, गुरुद्वारे हम जला देते हैं, चर्च हम जला देते हैं, तो हमें ये राइट कहीं से है नहीं। या तो हम खुद ये सब कुछ ना करें ना, तो फिर हम जाके जो है ना जिसे कहते हैं ना खुदाई फौजदार बने। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो उनमें उन्होंने ये मैंने मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन मैंने सिर्फ ये सुना है कि उन्होंने लाउड स्पीकर जो है उसको कहा है कि जी आप आवाज कम रखें या फिर सिर्फ अजान के वक्त इस्तेमाल करें, इसलिए कि वो सुबह से जो शुरू होते हैं तो वहां पे भी शायद वो पूरा दिन ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जो आसपास घर हैं वो लोग तंग होते हैं। और यही चीज मेरे ख्याल है उनके मंदिरों में और बाकी सब जगह पे भी यही होता होगा कि वो आवाज जो है वो एक खास टाइम के लिए होती होगी और फिर उसको कम किया जाता है। क्योंकि मैंने सोनू निगम जो सिंगर है इनके बड़े मशहूर बहुत अच्छा गाते हैं, और उनका इंटरव्यू मैंने देखा था और उन्होंने कहा था कि जी ये सुबह से जो लाउड स्पीकर उनके घर के पास कोई मस्जिद थी कि वो शुरू करते हैं और शोर जो है वो खत्म ही नहीं होता, और मौलवी साहब जो है वो नमाज के वताजान के बाद उसके बाद की भी कुछ उनके जो कहानियां होती हैं वो सुना रहे होते हैं। तो सोनू निगम ने कहा था कि बड़े डिस्टर्ब होते हैं तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। तो लाउड स्पीकर तो मैं भी कहती हूँ, पहले तो यही मौलवी थे, अगर आपको याद हो तो यही मौलवी थे जो कहते थे लाउड स्पीकर हराम है और अब इनको लाउड स्पीकर चाहिए। पहले तो कुछ कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि मतलब ये कहते थे कि जी लाउड स्पीकर जो है वो इस्लाम में हराम है, अब ये सबसे ज्यादा जो है लाउड स्पीकर ये मौलवी ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से टीवी चैनल्स को कहा करते थे कि जी टीवी चैनल्स हराम है, आप किसी मौलवी को कहिए वो फटाफट आके टीवी पे भी बैठ जाएगा, यूट्यूब पे भी बैठ जाएगा, मतलब अब इनका इस्लाम कहाँ गया। तो ये इनका अपनी मर्जी का इस्लाम है और वो भी आपस में मैच नहीं करता। मतलब दो जो लोग होंगे जो आपको इस्लाम की टीचिंग दे रहे होंगे, इस्लाम के बारे में तबलीग कर रहे होंगे, वो दोनों के आपस में ख्यालात नहीं मिलते होंगे। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि दो लोग एक जैसी बात कर रहे हो। तो ये सब चीजें जो है ये सिर्फ ये इत्तेफाक से या बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया में ही है, वरना अगर इधर भी उसी तरह से बिहेव किया जाता जैसे बाकी दुनिया में करते हैं तो हम भी कुछ प्रोग्रेस कर गए होते, हमने भी कोई साइंस में और दूसरी चीजों में आगे बढ़े होते, एजुकेशन में, और हमारी भी शायद इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ गई होती। इसलिए कि शायद ये लोन्स ले लेकर चलाने का खर्चा चलाने का स्टाइल जो है वो भी साउथ एशियंस का ही है। यूरोपियंस को मैंने नहीं देखा कि वो इतने दिनों तक जो है वो मुल्क हो या घर हो उसको वो किसी दूसरे के पैसे से चलाते हैं, उनके यहाँ तो बहुत बुरी बात समझी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम जो अगर कोई अच्छी बात, जाहिर है हर मजहब कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी सिखाता है, तो वो जो अच्छी बातें हैं उन्हें तो हम फॉलो नहीं करते, लेकिन हाँ किसी की जिंदगी खराब करनी हो, किसी को मार देना हो और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी हो तो वो जरूर फॉलो करते हैं। बल्कि एक मुल्ला की तो मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर बात कर रहे थे कि ना सिर्फ वो जो ब्लास्फेमी करता है उसको वो वाजिबुल कत्ल है, बल्कि अगर कोई उसको बचाने की कोशिश करता है, सपोर्ट करता है, तो उसको भी मार दो। और इस किस्म की बातें यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, ना कोई अरेस्ट करता है, ना कोई पकड़ता है, ना कोई सजा देता है। उसके बाद पाकिस्तान का भी इससे बुरा ही हाल होता हुआ नजर आ रहा है, बेहतर नहीं, क्योंकि सही करने वाला कोई है नहीं। सही करने वाला कोई भी नहीं है, और जारी बात है कि यहाँ पे जैसे मैं देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन कह रही है कि आप अपने ब्लास्फेमी लॉज बदलें, आप माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करते हैं, उनको बेचारों को दबाते हैं, मारते हैं। और रिसेंटली भी एक यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया था, वो भी ये कह रहा था, और बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए थे, गए तो वो कश्मीर की बात करने थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप, उन्होंने सियालकोट वाकये को सामने रख के बातें करना शुरू कर दी कि आप अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करें। सो दुनिया अब हमें कह रही है डू मोर ऑन दिस। सो ये एक्सट्रीमिज्म एक इस तरह का चैलेंज है जिसको जारी बात है सारे सियासतदान और हुकूमती पार्टी दबाने की कोशिश करती है कि ये एक वाक्य, अगर आपको पता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था बच्चे थे जज्बात में आ गए, जज्बात बह गए उनके, बच्चों को खून जो जोश मार गया। अब ये जोश का ये वो जोश की जो कॉस्ट मुल्क को पे करनी पड़ती है, डिफेंस मिनिस्टर को क्या इस चीज का अंदाजा हो कि जो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एंड वायलेंट एंड टेररिस्ट दिमाग के लोगों को कहेंगे बच्चे जोश खा गए। अब इसको अगर इतना नॉर्मल हम लेंगे तो इसमें क्या एक इम्प्रेशन जा रहा है पाकिस्तान की मुआशरे में और सोसाइटी में। सो मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस टू एनालाइज के ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वी हैव टू काउंटर देम एंड वी हैव टू काउंटर देम विद प्रॉपर लेजिस्लेशन विद द नेशनल।
जी। सर बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी, डिफेंस मिनिस्टर की जैसे आपने बात की, बिल्कुल उन्होंने एक बहुत ही नॉन सीरियस स्टेटमेंट दिया था, और वो किस तरह के डिफेंस मिनिस्टर हैं कि वो डिफेंस की किसी मीटिंग में नजर नहीं आते, बल्कि शायद उनको घुसने ही नहीं दिया जाता, और कहीं इधर उधर उनकी पिक्चर आती है छलियां खाते हुए, तो वो उनकी बात को क्या कोई सीरियस लेगा, क्योंकि वो किसी एक सिंगल डिफेंस की जो मीटिंग होती है उसके अंदर नहीं होते, और उनका कोई काम भी नहीं है, उनको बस ऐसे ही रख दिया है खामा खाई के लिए, पैसे देने के लिए उनको कि चलो सैलरी है साइड पे रहो, तो वो उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेने, लेकिन हमारे